आज मैं आप सभी को गुड़गांव शहर दिखाऊंगी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बहुत सारी लाइटनिंग भी है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छे रोड भी हैं। और मुझे जब मैं फर्स्ट यहाँ पे आई थी तो मुझे लग ही नहीं रहा था ये हमारा हरियाणा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी लाइटनिंग और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इतने अच्छे रोड को देख के मुझे लग ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि हम मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम किसी यूरोपियन सिटी में हैं, लेकिन ये हमारा हरियाणा ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने अच्छे रोड हैं और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और जब भी आप भी यहाँ पे आएंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि आप किसी यूरोपियन सिटी में हैं। और हमारे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे हरियाणा में भी ऐसी कोई अच्छी जगह होगी जहाँ पे इतना लाइक यूरोपियन सिटी वाली फीलिंग आएगी। और मुझे भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आई थी और उन्हें भी बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिली, जैसे मैं अभी साइबर सिटी होके आई थी और वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे ड्रेसिंग के लिए भी बहुत सारे स्टोर थे, खाने पीने के भी बहुत सारे स्टोर थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मन्नत एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ गुड़गांव के एम्बियंस मॉल में और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेकोरेशन है वो बहुत सुंदर है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ की डेकोरेशन, मैं आपको बीच से दिखा रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटनिंग और डेकोरेशन है, और सबसे बड़ा ये क्रिसमस ट्री है जिसके बीच में हिरन है, और ये भी बहुत क्यूट है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छा लगा मुझे यहाँ ऊपर जो ये डोम शेप टाइप में जो वो इसका डिज़ाइन है वो सबसे अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं, ऊपर भी नीचे भी सारी जगह स्टोर्स हैं, पर इतने सारे स्टोर्स हैं ना, आप गिनने लगे लेकिन गिन नहीं पाओगे क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि मैं कहाँ से लूँगी अपनी चीज़ें, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मेरी जो दो बहनें हैं वो H&M में हैं, तो चलो अब H&M में चलते हैं। ये रही मेरी बहन है जो अपनी शॉपिंग में बिजी है, और मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे साइज़ का, तो ये दोनों अपनी शॉपिंग कर रही है। देखते हैं किसी स्टोर में तो मिलेगा ही मेरे साइज़ का। हेलो दीदी तो चलो देखते हैं कौन से स्टोर में मेरे साइज़ का मिलेगा, उसमें मिलते हैं। मैं कितनी जीप दिख रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं H&M में ऊपर जा रही हूँ क्योंकि नीचे मेरे साइज़ का कुछ मिला नहीं है मुझे। गाइस सैडली ऊपर भी मेरे लिए कुछ नहीं मिला। मेरी हाइट ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा छोटी है पता नहीं, लेकिन मेरे साइज के कपड़े ही नहीं है यहाँ पे या तो ज़्यादा छोटा है या फिर ज़्यादा बड़ा है, मेरे साइज़ का कुछ भी नहीं है। तो किसी और स्टोर में चलेंगे अब मेरे साइज का ब्लैक पिंक। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी अंदर, क्योंकि मेरी बहन ने अपना ही खरीद ली थी, तो मैं बाहर जा रही हूँ फिर से डेकोरेशंस जो मुझे बहुत अच्छी लगी उनसे मिलने। मैं डेकोरेशन से कैसे मिलूँगी? और आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है और यहाँ पे गाने भी चल रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे सीढ़ी भी है, यहाँ पे सीढ़ी भी है और मुझे पता ही नहीं है। बहुत सारे स्टोर्स यहाँ पे, बहुत बड़ा सा हैमलीज का वो भी है बैनर टाइप एस्कलेटर। देखो मैंने आपको बताया था जैसे कि इन पिलर्स में बहुत सारे ऐड चल रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर का भी अभी आया, हैप्पी न्यू ईयर 2022, और मेरी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलो अब देखते हैं, हमारा ठिकाना है, मैं बोला नहीं जाता कहाँ हमारा ठिकाना है, कहाँ मेरे को कुछ मिलेगा, क्योंकि जहाँ भी जाऊँ मेरे लिए कुछ मिलता ही नहीं है, या तो मेरे से छोटे बच्चों का मिलेगा या मेरे से बड़े बच्चों का। तो फिर से मैं H&M में जा रही हूँ क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ।